ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਬਈ ਅੱਜ ਵਰਦੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨੇ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਪੀਓ ਆਂਜਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी, ये वाकया सिविल लाइन रोड पर ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों और शहरी के दरमियान झगड़ा जो है वो गाड़ी को नो पार्किंग वाले एरिया में खड़ा करने से हुआ, जब ट्रैफिक पुलिस के अहलकार ने गाड़ी को लिफ्टर के साथ उठाया। अब्दुर्रहमान नामी शख्स जो कि गाड़ी का मालिक है, उसका कहना था कि वो रकम निकलवाने के लिए निजी बैंक गया था और गाड़ी में इसका बेटा जो है वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। जबकि ट्रैफिक पुलिस अहलकारों का कहना था कि गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी है, इसलिए इसको उठाया गया है। ना तो इसका बेटा गाड़ी में मौजूद था और ना ही इनके पास कोई कागजात, गाड़ी के जो कागजात हैं वो पूरे थे। इसके बाद जो है वो अपने मान का कहना था कि हमारे पास गाड़ी के कागजात भी जो है वो पूरे हैं और गाड़ी भी जो है वो ठीक जगह पे खड़ी है, ना कि नो पार्किंग वाले एरिया में। और 400 रुपये का जो इन्होंने चालान किया है ये बिल्कुल गलत है। जाँच करने पर पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों ने इन बाप बेटे को जो है मारना पीटना शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ी में बिठा कर थाना जो है वो सिटी थाना में ले गए। जब दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस अहलकार था जिसने इनका चालान किया था, तो उसका कहना था कि ये जो शख्स है अब्दुर्रहमान जो कि गाड़ी का मालिक है, ये DSP का रिश्तेदार है, इसलिए हमें धमकियां दे रहा है। और इस शख्स ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को गालियां दी और वर्दी का तकद्दस भी पामाल किया। क्योंकि जो सूरत हाल है, पुलिस ने गाड़ी के मालिक और उसके बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन सिटी जो है जेलम ले गई है। जी।